देखिए ना, आपकी शादी को हुए एक दिन भी नहीं हुआ है और आप यहाँ पर पड़े हो। नहीं विक्रम, ऐसी बात नहीं है। फौजी होना तो एक गर्व की बात है और वैसे भी हम भारत माता के वीर हैं। अरे यार, तू जिसको छोड़कर आया है ना, वो तेरी मोहब्बत है और तू जिसके साथ शादी के बाद दो पल भी नहीं बिता सका। विक्रम, हमारी पहली मोहब्बत वतन से है, फैमिली बाद में है। तेरी मोहब्बत बहुत मुश्किलों के बाद तुझे किस्मत से मिली है। भारत माता की सेवा करने का मौका भी ना किस्मत वालों को ही मिलता है, और तू तो अच्छे से जानता है कि कर्नल साहब ने हमें अर्जेंट मिशन के लिए यहाँ पर बुलाया है। ये देख, शायद कर्नल साहब की कॉल भी आ गई। उठा। हेलो, क्या तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन। क्या हुआ रोहित, और तू रो क्यों रहा है, कुछ तो बता। विक्रम, गांव से फोन आया था, मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया है। ये क्या कह रहा है रोहित, तुझे तो अब छुट्टी भी नहीं मिल सकती क्योंकि आज ही हम बॉर्डर पर आए हैं। यार रोहित, कर्नल साहब की कॉल आ रही है। एक काम कर, तू अभी सर से बात कर और सर को ना मेरी माँ के बारे में कुछ भी मत बताए। जयंत सर, सर रोहित की माँ का स्वर्गवास हो गया है। विक्रम, ये क्या बोल रहा है तू? जी सर, ओके सर, जयंत सर। विक्रम, क्या बोला सर ने? रोहित सर ने ना हमें अर्जेंटली बुलाया है, हमें अभी चलना होगा। ठीक है, हम लोग निकलते हैं। क्या है सर? जयंत ऑफिसर। बोलिए सर, क्या आदेश है? रोहित, मुझे पता चला कि तुम्हारी माँ का स्वर्गवास हो गया, लेकिन अफसोस, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता। लेकिन सर, मुझे कोई अफसोस नहीं है क्योंकि मेरे परिवार से पहले मेरी ये भारत माँ है जिसकी मैं रक्षा कर रहा हूँ। मुझे गर्व है रोहित तुम पर, और तुम्हें जन्म देने वाली उस माँ पर जो इस दुनिया को छोड़कर चली गई और तुम उनके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सके। सर, आप हमें आदेश दीजिए कि हमको यहाँ पर क्यों बुलाया गया है। तुम दोनों की ड्यूटी मैंने पहाड़ी के पीछे वाले इलाके में लगा दी है, और तुम दोनों को मिलकर वहाँ की कमान संभालनी है। लेकिन सर, वहाँ पर आतंकियों का बहुत खतरा है, वहाँ हर रोज हमले होते रहते हैं। इसीलिए तो मैंने तुम्हें वहाँ पर तैनात किया है ताकि तुम वहाँ की निगरानी कर सको, और हाँ, कोई भी टेररिस्ट अगर वहाँ पर अटैक करता है तो तुम तुरंत हेडक्वार्टर के लिए कॉल करोगे और तुम कोशिश करोगे कि उस टेररिस्ट को जिंदा पकड़ो। सर, हम तैयार हैं। अगर तुमने एक भी आतंकी को जिंदा पकड़ लिया तो हम उनके सभी मंसूबों को नाकाम कर देंगे। डोंट वरी सर, हम उन आतंकवादियों को जिंदा पकड़ने के लिए अपनी जान की बाजी भी लगा देंगे। वेरी गुड ऑफिसर, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ओके सर। यार रोहित, हमें कर्नल साहब ने कहाँ लाकर फंसा दिया। ये क्या बोल रहा है तू, फंसा दिया? अबे यही तो हमारी ड्यूटी है। नहीं करनी मुझे ऐसी ड्यूटी जिसमें जान का खतरा हो, जान है तो जहान है। विक्रम, तू बिल्कुल गलत बोल रहा है। जिस दिन हमने ये आर्मी की वर्दी पहनी थी उसी दिन हमने सुख और चैन त्याग दिया था और अपने आप को भारत माँ की सेवा में समर्पित कर दिया, तो फिर मौत से कैसा डरना। अरे यार रोहित, हमारे देश में और भी तो लोग हैं जो चैन की जिंदगी जी रहे हैं और अपने घरों में आराम से सो रहे हैं, और हम यहाँ पर मौत के मुंह में भटक रहे हैं। अगर तुझे मौत से इतना ही डर लगता है तो फिर तूने ये आर्मी की नौकरी ज्वाइन ही क्यों की? यार रोहित, मैंने ये आर्मी की नौकरी पैसे कमाने के लिए ज्वाइन की थी, मुझे नहीं पता था कि इस नौकरी में इतना रिस्क है। विक्रम, तू एक फौजी है और एक फौजी के मुँह से ये सब बातें ना शोभा नहीं देती। विक्रम, हमने ये नौकरी ना पैसे कमाने के लिए ज्वाइन नहीं की है, बल्कि देश की रक्षा करने के लिए की है। अगर हमें पैसा ही कमाना होता तो हमारे देश में बहुत सी नौकरियां हैं जिनको करके हम आराम से पैसा कमा सकते हैं।
लेकिन अपने देश की रक्षा करने का मौका ना हर किसी को नहीं मिलता है। हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमें ये मौका मिला। यार रोहित, ये तू सब क्या बोल रहा है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। तेरी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चल आप चलते हैं। अनुष्का, तुमने अपने पापा से बात की हमारी शादी के बारे में? रोहित, मैंने अपने पापा को मनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मेरी शादी तुमसे कराने के लिए वो तैयार नहीं है। लेकिन ऐसा क्यों अनुष्का? तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी मुझसे कराने के लिए तैयार क्यों नहीं है? मेरे पापा एक आर्मी ऑफिसर से मेरी शादी नहीं करवा सकते। लेकिन क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी बेटी एक विधवा बनकर अपनी पूरी जिंदगी गुजारे। अगर ऐसी ही बात है तो फिर तुम्हारे पिताजी जैसा कहते हैं तुम वैसा ही करो। लेकिन रोहित, अगर ये तुम फौज की नौकरी छोड़ दोगे तो शायद मेरे पापा मान जाए। अनुष्का, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पता है ना कि ये नौकरी मैंने अपनी मेहनत से पाई है और ये मेरा सपना था और मैं इसको इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। अरे मुझे गर्व है अपने ऊपर कि मैं एक फौजी हूँ और मैं अपने देश की रक्षा करता हूँ। देखो अनुष्का, मैं तुमको छोड़ सकता हूँ लेकिन फौज की नौकरी नहीं। लेकिन रोहित, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। अनुष्का, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करती हो तो फिर ठीक है, चलो हम चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। क्या हुआ, अब तुम चुप क्यों हो गई? तुम्ही बोल रही थी ना मुझसे कि तुम मेरे बिना नहीं रह सकती, तो फिर चलो ना मेरे साथ। लेकिन रोहित, ये सब करना ठीक नहीं है। तो फिर ठीक है, तुम्हें जैसा अच्छा लगे ना तुम वैसा करना, मैं चलता हूँ। रोहित, जैसा तुम कहते हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर ठीक है, हम अभी चलते हैं। अनुष्का, अब हम ऑफिशियली हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं और ये है हमारा नया घर। आज से हम लोग यहीं पर रहेंगे। रोहित, आज हमारी शादी का पहला दिन है तो तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। अनुष्का, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा और वैसे भी मैं तुम्हारे लिए बॉर्डर से छुट्टी लेकर के आया हूँ। लेकिन कभी ना कभी तुम बॉर्डर के लिए जाओगे ही ना, फिर मैं अकेले इस घर में कैसे रहूँगी? अनुष्का, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अभी हमारे पास जो भी टाइम है हम उसको साथ में एंजॉय करते हैं। रोहित, तुम एक फौजी हो और मुझे ये सोचकर डर लगता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे रहूंगी। तुम बेकार में टेंशन मत लो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। अरे ये बॉर्डर से कर्नल साहब की कॉल क्यों आ रही है? अनुष्का, तुम एक मिनट रुको, मैं भी बात करके देखता हूँ। जैन सर, क्या सर? यू डोंट वरी सर, मैं अभी आ रहा हूँ। अरे सर, आप उसकी चिंता मत कीजिए। ओके सर, मैं अभी आता हूँ। अनुष्का, बॉर्डर पर ना आतंकवादियों ने हमला कर दिया है और मुझे अभी के अभी बॉर्डर के लिए निकलना होगा। आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर देना जो मैं तुम्हारे साथ एक रात भी स्पेंड नहीं कर पाया। लेकिन हाँ, तुम चिंता मत करना, मैं बहुत जल्द बॉर्डर से वापस आऊँगा। लेकिन रोहित, आज ही तो हमारी शादी हुई है और आज ही तुम मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, यहाँ पर मैं किसके साथ रहूँगी? अनुष्का, मैं माँ को कॉल कर दूँगा, वो तुम्हारे साथ रहने के लिए आ जाएंगी। अरे अनुष्का, तुम इतना अफसोस मत करो, तुम एक फौजी की बीबी हो और तुम्हें ना ये सब शोभा नहीं देता है। मैं अभी अपनी यूनिफॉर्म पहन करके आता हूँ। ठीक है अनुष्का, सही से रहना तुम, चलता हूँ मैं।
उठ, कहाँ खो गया? क्या हुआ? यार आतंकियों ने हमला कर दिया। क्या कहा? आतंकियों ने हमला कर दिया? और उसके बारे में मुझे पता भी नहीं चला। तू एक काम कर, जल्दी से ना कर्नल साहब को इसकी सूचना दे दे। तब तक इन आतंकियों को मैं रोकता हूँ। हेलो सर, बॉर्डर पर हमला हो गया है, आप जल्दी से बटालियन को भेज दीजिए। ठीक है सर। रोहित, तुझे गोली लगी है, हम लोगों को पीछे हट जाना चाहिए, हम लोग इनका मुकाबला नहीं कर सकते। विक्रम, हम भारत माता के जवान हैं, हम पीछे नहीं हट सकते, चाहे हमारी जान ही क्यों ना चली जाए। यार, हमें कर्नल साहब ने भी कहाँ भेज दिया मरने के लिए? ये तो हमें अवसर मिला है भारत माता की सेवा करने का। रोहित, वो लोग ना हमसे संख्या में ज्यादा हैं, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। विक्रम, अगर तुझे जाना है तो तू चला जा, मैं अकेला ही इनका डटकर मुकाबला करूंगा। रोहित, ये देशभक्ति नहीं, ये तेरा पागलपन है, इसमें तेरी जान भी जा सकती है। अगर इसे पागलपन कहते हैं ना, तो फिर यही पागलपन ठीक है, मेरी जान चली जाए लेकिन मैं उनको चुन चुन कर मारूंगा। तू जा यहां से। अगर मैं यहां पर रुका तो मैं मारा जाऊंगा, मैं भाग जाता हूं। अब्दुल, इस फौजी को उठाओ और हमारे ठिकाने पर लेकर चलो। ठीक है, चलो।